विजय की तैयारी की बात आपको आह्वान करता हूं और एक उत्सव के माहौल की बात करता हूं, तो एक बात मैं मीडिया के माध्यम से दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहता हूं और देश को भी बताना चाहता हूं कि जो पार्टियां इतनी बड़ी संख्या में जनसभा नहीं कर पाती हैं, उतनी तो हमारे यहां कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो जाता है। अपने आप को बड़े राजनीतिक दल का दावा करने वाली पार्टियां भी ये रामलीला मैदान को भरने से घबराती हैं, कतराती हैं। यहां वो जनसभा भी नहीं कर पाती हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन इस मैदान में होता है, पता ही नहीं लगता कि ये सभा है कि सम्मेलन है। मित्रों, ये हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे को दुनिया में स्थापित देश में सब लोग जिनका लोहा मानते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं। यह हम सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आए हैं। 18 करोड़ की जिसकी सदस्य संख्या हो, लाखों कार्यकर्ता हो, हमें यह ध्यान में रखना है हम एक वैचारिक पार्टी हैं, हम एक काडर बेस्ड पार्टी है। हमने कहा पंच परमेश्वर, यानी हर बूथ से 5 आदमी आएगा तो हमारा पंच परमेश्वर हो जाता है। जब हम कहते हैं बूथ समिति तो यही संख्या 5 लाख हो जाती है। यह ताकत अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम विचारशील पार्टी हैं। हमारी उत्पत्ति भारतीय जनसंघ के रूप में 1950 के दशक में हुई। सारी पार्टियों के आचार बदल गए, विचार बदल गए, सारी पार्टियों का तौर तरीका बदल गया, सारी पार्टियों का सोच का तरीका बदल गया। सोशलिस्ट सोशलिस्ट नहीं रहे, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट नहीं रहे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस न इंडियन रह गई, न नेशनल रह गई, न ही कांग्रेस रह गई, भाई बहन की पार्टी बनकर के खड़ी हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 1951-52 में यह कहा कि एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेंगे। इस यात्रा को हमने शुरू की, हमने एक नहीं अनेकों यात्राएं निकाली, जनादेश यात्रा से एकता यात्रा, यात्राओं की श्रृंखला लगाई। लेकिन हमने धारा 370 को छोड़ा नहीं, हमने कहा कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। और वो 1951 की यात्रा 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमारा रिकॉर्ड है। जो कहा था वो किया। जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने